ये सारे के सारे क्रिएटर्स हैं। मैंने तुम लोगों से कहा था देखो एक दिन इन सबको एक साथ पॉडकास्ट पे लाएंगे, भाई लाएंगे नहीं लाएंगे, ठीक है। ब्लॉग को स्टार्ट करने से पहले कुछ थोड़ी सी बातें आप लोगों से करनी है। अभी रिसेंटली मेरे चैनल पर 1K सब्सक्राइबर्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए और बहुत अच्छा लग रहा था उस दिन। मैं मतलब पहले इस वीडियो को बना नहीं पाया आप लोगों को थैंक्स करने के लिए, थोड़ा लेट हो गया, तो मैंने कहा चलो इस ब्लॉग में ही ये चीज़ ऐड करता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ कि 1K सब्सक्राइबर्स जो हैं भाई कंप्लीट हो गए हैं। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, आप लोगों के सपोर्ट से 1K सब्सक्राइबर्स मैंने कंप्लीट किए हैं और होपफुली इससे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स और आने वाले टाइम पे हम लोग जल्द जो है वो अगले पड़ाव पर जो है पहुँचेंगे जो कि 10K का है। तो थैंक यू वेरी मच और स्पेशल थैंक्स टू ऑल द स्टैंड अप कॉमेडियंस एंड द सुपर क्रिएटर्स हु वर देयर ऑन माय पॉडकास्ट। जो भी लोग मेरे पॉडकास्ट पर आए और जिन्होंने भरोसा जताया कि भाई इस बंदे के साथ पॉडकास्ट करते हैं मज़ा आएगा, मतलब बातचीत करने में मज़ा आएगा, ना मेरा पहले कोई फॉर्मेट था ना कुछ था, तो वो सारी चीज़ें और सबने मेरे को मतलब इतना हेल्प किया तो बहुत मज़ा आया। थैंक यू वेरी मच, स्पेशल थैंक्स टू टू पीपल हु वर देयर ऑन माय पॉडकास्ट। जब मतलब कुछ भी ऐसा था नहीं ठोस मेरे पास, ना कोई एक्सपीरियंस था पॉडकास्ट का और ना ही मतलब मेरे पास कोई ज़्यादा पॉडकास्ट थे दिखाने के लिए, तो रोजेंडर के जो पॉडकास्ट थे वो मैं यहाँ पर दिखाता था। तो थैंक्स टू इंदर भाई, इंदर साहनी भाई स्टैंड अप कॉमेडियन फ्रॉम दिल्ली, एंड थैंक्स टू विवेक मुरलीधरन भाई स्टैंड अप कॉमेडियन फ्रॉम हैदराबाद। तो ये दो लोगों को मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा और पूरी सुपर हीरो कम्युनिटी को मैं थैंक यू करना चाहूँगा भाई। और जो लोग नहीं जानते कि मैं साइंटिस्ट के साथ पॉडकास्ट भी करता हूँ, तो आप लोग जाकर नीचे चैनल का लिंक देख सकते हैं, चैनल चेकआउट कर सकते हैं, रोजेंडर साइंस ऑफ द चैनल। आप लोग वहाँ जाकर जो है साइंटिस्ट के पॉडकास्ट सुन सकते हैं, जो बायोग्राफीज मैंने बनाई हैं साइंटिस्ट के बारे में वो जो है वो चीज़ें देख सकते हैं और काफ़ी सारा साइंटिफिक कॉन्टेंट जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो वहाँ जाकर आप लोग जाइए देखिए और उस चैनल को भी और ज़्यादा प्यार दीजिए। अब तक चलिए ब्लॉग की तरफ चलते हैं। सारे सुपर क्रिएटर्स आए भाई, सब ऐसा मामला रखा है, मैं भी एक्साइटेड हूँ सब लोगों से मिलने के लिए। क्योंकि सब लोगों से तुम लोगों को मिलाऊँगा, कौन कौन है मैं सबको बताऊँगा, क्योंकि मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है कौन कौन बंदे आ रखे हैं। चलो चलते। क्या हाल है भाई लोग? अरे शिवा क्या हाल है प्रशांत भाई? वहाँ देख के तुम्हारा दुश्मन खड़ा हुआ वाइट शर्ट देख रहे हो, हिमेश रेशमिया अभी तो आज आ जा हिमेश रेशमिया बोल रहा है। हिमेश रेशमिया किधर है? मिशन हिमेश, मिशन हिमेश, हिमेश रेशमिया। ये देखो इस बंदे ने बोला है, मैंने बोला है मैं बोलूंगा, उसने क्या है। तो फाइनली भाई सचिन भाई से भी मिल लिए। सचिन भाई ऑन द व्लॉग, मतलब आपसे महंगी वाली बातचीत। पीवीए बन के आया हूँ मैं, ज़्यादा बेकार लगेगी कि मैं तो प्रूव कर दूँगा, टाइम लगेगी का संपर्क बात ज़्यादा भाई करवाती पड़ेगी। तो भाई अभी मैं ऐसे सुपर क्रिएटर्स से मिला जो मतलब मुझे एक तो ये इनको तो तुम जानते ही हो, दिल्ली की शान देसी नट। तो ये थे हमारे देसी नट और पीजे एक्सप्लेन। विश्वास नहीं हो रहा, विश्वास नहीं हो रहा, चश्मा तुम्हें बादल से भी मिलवा देता हूँ। ये है हमारे बादल। कॉमिक सर 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 सर, हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, आपका चैनल कॉमिक वर्स नहीं हम बहुत देखते हैं। मेरा चैनल कॉमिक वर्स नहीं है लेकिन कॉमिक वर्स बहुत अच्छा चैनल, उसको देखना चाहिए। और हमारे एक्सक्लूसिवली एक्सक्लूसिवली मौजूद है वोंग। वोंग को क्रॉप कर दिया भाई फोटो में। सर 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 मल्टीवर्स ऑफ वोंग हमारे साथ है सर। आपने वोंग मैंने कहा कर दिया है, मैंने कौन सा काम कर दिया भाई? मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में मतलब आपने सबको जय जय करवाया आपने। मैंने इसमें जय जय करवाया हाँ। देखिए कितने डाउन टू अर्थ,
कितने डाउन टू अर्थ आदमी है, मुझे खुद याद नहीं है क्या क्या करवाया यार। ऐसा है, अभी 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 आपको पता लग जाएगा, ठीक है। खैर आज के टाइम पे आप क्या भाई, एक बात बताइए, आप एक फाउंडर और आप कोई फाउंडर मांगता नहीं है, कैसा देखो सुपर इंडिया का ये बंदा फाउंडर वो तुम ब्लॉग देखोगे, अभी सत्यम नहीं आया भाई, सत्यम सत्यम तो और पता लगता है, आराम से बात करेंगे भाई, करेंगे। और अभी अभी एक पॉडकास्ट जो है वो पॉडकास्ट का वादा है, ठीक है, वो उधार है, वो उधार है, वो इस आदमी वो उधार है, उधार ही रहेगा, देखना इसके मरने के बाद वो पूरा होगा। भेज रहे हैं, अच्छा वैसे लेट हो गए तुम लोग, सबसे बड़ा बात ना मुझे एक चीज का सबसे बड़ा ताज्जुब लगता है यार, कि ऐसे ऐसे लोगों से कांटेक्ट कैसे करते हो भाई। एक्सी वर्मा वो इंसान है जिसका बुक पढ़ के खुद हम लोग पढ़े, मतलब ये नहीं कि किसी के भले पढ़ते नहीं थे, पढ़ती थी बहुत उस बुक से, कंबाइंड रहे ईमानदारी से लगा भाई, वो हमें बंदरों का अलग लगा, पूछो मत बंदरों, बंदरों से उनको बहुत लगा है। तो मुझे हर बार जब रोजिंदर टॉक्स का एपिसोड देखता हूं, मुझे लगता है यार ये आदमी इन लोगों को अप्रोच कर कैसे रहा है, कहां से आ रहा है। ऐसा नहीं कि वो ऐसे लोग हैं जिन्हें आप पॉपुलरली देखोगे ना टीवी पे या शोज पे, नहीं, वो सब रियल लोग हैं जो शेप दे रहे सोसाइटी, है ना। आप जिन्हें टीवी पे देखते हैं जो पॉपुलर फेसेस हैं, ऑफकोर्स उनका सोशल इम्पैक्ट है, बट जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन वो लोग ला रहे हैं वो एक है ना आउट ऑफ द व्यू चला जा रहा है, वो चीज को सामने लाना। और भी बड़ा कुछ आएगा अभी, उसके लिए वेट करते हैं, ठीक है, थोड़ा बड़ा कुछ आएगा। और एक और है भाई, जो मतलब मैंने जिनको पॉडकास्ट पे बुलाया वो सामने से मेरे को बोलते हैं भाई रोजेंडर हो। ये है हमारे कैप्टन मीटू। तो भाई रोजेंडर के बारे में आपके क्या ख्याल है? सॉलिड भाई, मतलब और क्या बोलते हैं, जिन जिन लोगों का इंटरव्यू, मैं सुपर क्रिएटर्स की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि जो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, बिकॉज दे आर द रियल जेम्स ऑफ आवर इंडिया, ओके। उन लोगों के जो क्रिएशंस होते हैं, उनके जो रिसर्च होते हैं, उनके बेसिस पे अपना ग्रोथ है। अब हम लोग जो करते हैं वो इंटरटेनमेंट हो गया, बट द रियल हीरोज़ के जब इंटरव्यू लेते हैं ना, आई एम फैसिनेटेड बाय दैट, और इसीलिए थोड़ा सा डिले हो रहा है अपना, मतलब मैं भी आऊँगा इनके पे पॉडकास्ट में। बट टू द ऑडियंस दिस क्वेश्चन, आपको नहीं लगता कि ऐसा इंसान है जो साइंटिस्ट जिनको क्या मतलब नोबेल प्राइज तक मिला हुआ है और इंडिया के एक करेक्शन, तीन बार नॉमिनेट हुए थे टीवी आर सर, अभी तक कोई नोबेल लॉरिएट पॉडकास्ट पे आए नहीं है, बट जल्द ही क्या पता, क्या पता जल्द ही रॉजर पेनरोज सर देख रहे हो क्या भाई, वेरी नाइस टू मीट यू भाई, ठीक है। और आज मतलब मैं ऑफिस छोड़ के आया हूँ दोस्तों ये मीट करने के लिए, ठीक है, और आईवेक्स की टिकट पे किया लिटरली कभी नहीं किया भाई, और मैं इतनी महंगी मूवी शायद आज के बाद देखूंगी ना, बट हाँ ये इन लोगों से मिला हूँ, ये वर्थ इट, दैट वाज वर्थ इट मूवी, भले ये मूवी ऊपर नीचे हो जाए कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा 19-20 100-200 लेके कर लेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं, बट ये जो लोग है ना भाई जी, मजा आ रहा है, सही माता है, मिल के बहुत अच्छा। अब प्रशांत भाई जो है हमसे कुछ बोलना चाहते हैं, बताइए प्रशांत भाई, बहुत ही गंभीर बात है जिस पर चर्चा जो है उठी है, बहुत गंभीर बात सच में है। अभी मूवी देखने के बाद 10 लोग मिलके ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कहाँ जाना चाहिए, तो ये देश के युवा व्यवस्था के बारे में। आइए शेमलेस पीपल से पूछते हैं कि कहाँ जाना चाहिए, शेमलेस पीपल के दो लोग हमारे साथ हैं, तो भाई कहाँ जाना चाहिए खाने के लिए? खाने के लिए कहीं भी, बहुत सारी जगह हैं। एक तो भाई ये पॉडकास्ट में ना ये बंदा छोटा दिखता है, ऐसे में भाई साहब ये बंदा इतना लंबा है, बस सेकंड फ्लोर पे मेरे को फोन करना पड़ रहा है तब जाके ये बंदा दिखाई दे रहा है, पीछे होना पड़ेगा। तो ये भाई के साथ जो है वो अभी पॉडकास्ट आने वाला है, ठीक है, और मतलब बड़ा मज़ा आया यार, मैंने इस भाई से वो बातें करी जो मेरे को बाकी क्रिएटर्स से मैंने मतलब बहुत कभी वैसे सवाल पूछे नहीं कि कॉमिक्स कैसे पढ़ना चालू किया, और भाई ने बड़े उससे जवाब दिया कि हाँ एक्सप्लेनेशन के साथ, ये नहीं किया कि अरे क्या पूछ रहे तू यार, ठीक है वैसे हमेशा ऐसा होता नहीं है तो नीचे कमेंट से गालियाँ मत लिखना, लिख भी तो खैर क्या ही होता है थोड़ा डिलीट कर देंगे मैं इसकी, यहाँ छोड़ो।
तो सही है। दिल्ली कैसा लग रहा है अभिषेक भाई? दिल्ली में बहुत मजा आ रहा है भाई। भाई मतलब पॉडकास्ट एडिट करने बैठा कल रात और फिर मुझे याद आया कि भाई की आने की जो अराइवल की डेट थी इन्होंने मेरे को पॉडकास्ट में बता दी थी। पूरी तरीके से दिमाग से स्किप हो गया वो। और मतलब आज मिल रहे हैं जब ये इनकी शायद ट्रेन है आज जाने की, कल इनकी सुबह की। फिर आऊँगा वापस, किस डेट पर आऊँगा ये बताऊँगा, लेकिन आऊँगा। फिर आएंगे वापस, कब आएंगे? कैमरा बंद करके पूछते हैं ना। ये मोस्ट एनर्जेटिक आदमी देखो अब चला गया। ये भाई हमारे हेलो फ्रेंड्स इन 200 हो रहा है यहाँ पे। तो भाई के बारे में थोड़ी सी बातें जानते हैं। भाई आए हमारे आगरा से, पेठा नहीं लाए। और गुड्डे का ब्रांडिंग चल रहा है। गुड्डे नहीं है, अनमोल बटर बेक है। हम हैं वो लोग जो इस कंपनी से पैसे खा रहे हैं। आप भी अनमोल बटर बेक खाइए। आप मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर आप कंपनी से पैसे खाने की बात कर रहे हैं तो ये पैकेट रेड होना चाहिए था और इसकी ब्रांडिंग जो है वाइट से होनी चाहिए थी, कुछ एम से नाम होना चाहिए था इसका। क्या मतलब? क्या आप समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं? Trying to get better. तो एक बार आप लोग में से जो समझ पाए हो ऑडियंस, ठीक है, मुझे जरूर बताइए कि वो कौन सी ब्रांडिंग है जो कंपनी मुझे दे नहीं रही है। ठीक है, मुझे उसे बिकवाना है, लोगों के पास पहुंचवाना है ताकि लोग भी उसका आनंद उठा सके। ये ससुरा बहुत बोलता है। Friday. तो भाई आज सारे क्रिएटर्स से मैंने तुम लोगों को मिलवाया, ठीक है, और और ये रहे हमारे सारे क्रिएटर्स, ठीक है। अशरफ तू भी आ जा भाई, मैनेजर तो है, ठीक है। देखो भाई ये सारे के सारे क्रिएटर्स हैं। मैंने तुम लोगों से कहा था देखो एक दिन इन सबको एक साथ पॉडकास्ट पे लाएंगे। भाई लाएंगे नहीं लाएंगे, ठीक है। और तू स्क्रीन पर ला ले, नामकरण करने की जिम्मेदारी ये व्यक्ति की, अमन भाई की, ठीक है। तो चलो, ठीक है, चलो मिलते हैं, ओके बाय।